रंभो वर्णतारंभो सिद्धारंभो वायारं रंभो वच्चायारंभो द्वयि सावसावुरं सुधात्मान मनिकांतं साधमुक्तं मंगलं पंडित संघस्य दर्शन संदेश सुप्रदास मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदादि जैन धर्मोस मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधान सर्व धर्मानाम जैनम जेतु सासनम सर्व्यापेक्षित स्वरूपाय परात्मनि स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मनि नमः। पर का परिचय भी आत्मा की अपेक्षा से करना, ये हमारी कौन है लोक द्वार में भी दूसरे की कौन है ऐसे क्या मतलब, ये इनकी मामा है बस, वका मतलब हमारी कौन है। तो हमारा इनका क्या संबंध है, परिचय ये होना चाहिए। चेतन चित परिचय बिना जब तक सरे नरत कर्मिन तुझको पूर्ता कछु न आवे हत। कर्ण के बिना तुझको कूट रहा है तेरे क्या हाथ आएगा। चेतन चित परिचय सकल गे ज्ञायक, जब अपने को ज्ञायक दिखोगे तो सकल गे दिखाई देंगे, और नहीं तो भीतर में कहोगे तो गे ऊपर से और भीतर में इस तरह से दिखाई देंगे, मेरे तेरे की भावनाएं बनी रहेंगी। स्वास्थ्य के बिना ये कपट मिटता ही नहीं है। के ऊपर से तो हम कहते रहते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं, और मानते रहते हैं सब कुछ है। ऊपर से कहते रहते हैं गे हैं ये तो, और मानते रहते हैं इष्ट अनिष्ट हैं, अब मेरे तेरे हैं। क्यों, परिचय हमारा आत्म सापेक्ष नहीं हुआ, हमारे कौन है। ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वरूप है, स्व के साथ अभिन्न पर के साथ भिन्न, पर के साथ भिन्नता ही रहेगी अपने साथ अभिन्नता होगी। राग का ज्ञान भी ज्ञान आत्मा के साथ अभिन्न है और राग से भिन्न है, राग का ज्ञान है लेकिन राग से भिन्न है, राग का ज्ञान आत्मा से अभिन्न है। तब तो राग दुख का कारण है, उसी प्रकार राग का ज्ञान दुख का कारण नहीं है। राग का ज्ञान क्या है, ये राग मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरे जीवन का कलंक है, वैभाविक परिणति है, ये शोभनीक नहीं है। पर पदार्थ को इष्ट मानकर राग करता है, ये शोभा नहीं है, तेरा इष्ट तेरे भीतर है, ये कहां से आ गए, ये अनिष्ट है। ठीक है, अब सिद्ध करो इसने हमारा क्या अनिष्ट किया, तुम्हारे विकल्पों से तुम्हारा अनिष्ट हुआ है। अपने घर में रखी भूल जाओ और थाने में रिपोर्ट करने पहुंच जाओ तो इसके लिए हम क्या करें। इसने हमारी चोरी कर ली और तुम अपने घर में ही इधर ही भूल गए। अरे अपने वैभव को तुम अपने में ही भूल गए हो, मुट्ठी में रखे सोने की भांति, कोई कर्मों ने छीन नहीं लिया, कर्मों ने ले नहीं लिया। स्व के ज्ञान सापेक्ष पर का ज्ञान भी सम्यक है, जब तक स्व का ज्ञान सम्यक नहीं होता तब तक पर का ज्ञान भी सम्यक नहीं है। दूसरी भाषा में कहें तो अतीन्द्रिय ज्ञान जब तक प्रकट नहीं हुआ तब तक इंद्रिय ज्ञान भी सम्यक नहीं।
मत सुत ज्ञान अवधि ज्ञान ये विपरीत भी होते हैं, विपरीत जिनकी श्रद्धा विपरीत है। सच तो रविचि सात प्रभि, शास्त्र पर बैठ करके मैं तो आत्मा हूं और मानता सही, मानता पर से लाभ नहीं और मानता पर का लाभ है, बहुत लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ, कहां का लाभ हुआ, लाभ हुआ ही और अभिलाषा मिटी नहीं। तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला, उस घेरे में से निकलो, बहुत लाभ हुआ, इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया, अरे तुम आज ध्यान से अपना नुकसान कर रहे हो, पैसा का नुकसान नुकसान दिखाई दे रहा है, और दब दृष्टि से देखो क्या नुकसान हो गया, वह नुकसान परिणामों का भी केवल परिणामों में ही हुआ है, आत्मा तो अपरिणामी तत्व है, और अपरिणामी स्वभाव के आश्रय से वो परिणाम का नुकसान पूरा हो जाएगा। जो तुम्हें क्रोध मान माया लोभादिक व्यभाव भाव होते हैं वे नहीं होंगे, परिचय आत्मसापेक्ष करो, भगवान का भी परिचय करो तो क्या करो, अहो ये भूले हुए शुद्ध आत्मा को दर्शाने वाले, ये मुक्ति मार्ग को दर्शाने वाले हैं, कसायों को मिटाने वाले हैं, जब कसाय मिटेंगी तो दुख तो मिटेगा ही, भ्रम से अपने को संतुष्ट मत करते रहो, आत्मा के आनंद को वेदन करते हुए तुम अपने में संतुष्ट रहो, आत्मसापेक्ष। गुरु हमारे गुरु, गुरु और हमारे गुरु में कितना अंतर है, कल जी पढ़ रहे थे यशोधर की गाथा, श्रेणी ने यशोधर मुंडराज को देखा, अरे ये चेला के गुरु हैं, वे हमारे गुरु, उपसर्ग कर लिया, नरक गति बांधी, और यही हमारे गुरु भी यही हैं, जब ये समझ में आया उन्हीं के निमित्त से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिए, तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया, कहां होगा कि हो गया माने तत्काल नहीं हो गया इस समय, लेकिन कहने का मतलब ये तीर्थंकर प्रकृति का, अब तीर्थंकर होंगे, बेई पाप बंद के निमित्त तो बेई पुण्यबंद के निमित्त हो। चामुंडराय देख रहे प्रतिमा को, क्या देख रहे, ऐसी प्रतिमा तो जय काल में कोई नहीं बना पाएगा, अभिषेक पूरा नहीं हुआ, चामुंडराय का के द्वारा अभिषेक पूरा नहीं हो पाया, बड़े घड़े लुढ़क गए और यहीं तक पानी आया, और इतनी सी लोटे में क्या आती जो अभिषेक पूरा हो गया, चामुंडराय क्या देख रहे, इतनी सुंदर प्रतिमा मैंने बनवाई, अरे तुमने बनवाई के बनी, और बनी के प्रकट हुई, थी तो प्रकट हुई, कोई बात नहीं है, पर्याय की दृष्टि से बन गई है कि प्रकट बन गई है ये भी कह दें तो कोई बात नहीं है, सोचो परिचय करो, आओ ये बुरे स्वरूप को बताने वाले है, ज्ञाता स्वरूप को बताने वाले है, कर्तृत्व बुद्धि के अहंकार को मिटाने वाले है, कर्तृत्व बुद्धि के अहंकार को मिटाने वाले है, ज्ञाता स्वरूप को दर्शाने वाले हैं,
ज्ञान मात्र शक्ति, ज्ञान मात्र भाव में उछलती हुई अनंत शक्तियों को प्रत्यक्ष दिखाने वाले। और कैसी अद्भुत कला है, कैसी अद्भुत कला है, देखते हुए दिखा रहे। वे तो देख रहे हैं और मग्न है, और तुम उनकी ओर देख के समझ रहे हो। जिसको देख करके मग्नता आती है वो सोनंगल में चर्चा ली। आत्मा से कोई सुंदर दूसरी वस्तु नहीं है। सुंदर किसी कहते हैं जिसे देखते ही आनंद आया, वाह वाह, ओ ऐसा तो आत्मा ही है और कुछ नहीं, जिसे देखते ही आनंद आया। पर को देख करके आनंद की कल्पना हो सकती है, बहुत सुंदर है, आनंद नहीं हो सकता। आनंद और आनंद की कल्पना में अंतर है। आनंद की कल्पना और आनंद दोनों भिन्न भिन्न वस्तु है। अगर आनंद होगी तो तुम्हारे भीतर में चाह नहीं होगी, और आनंद की कल्पना होगी तो चाह होगी भीतर। स्व के ज्ञान के बिना पर का ज्ञान भी सम्यक नहीं होता। पर का ज्ञान भी तुम्हारा मिथ्या है। क्यों? पर से तुम्हें शिकायत है, पर में इस संस की कल्पना हो रही है और राग द्वेष का द्वंद खड़ा हो रहा है। द्रव्य दृष्टि से देखें तो हमारा कोई अहित ही नहीं हुआ है, अनिष्ट करने वाला कोई है नहीं। एक शब्द का प्रयोग पहले बहुत पहले किया होगा, आत्मा अजात शत्रु है। अजात शत्रु मां समझ गए, जिसका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ। अजात अजन्म अजात शत्रु है। बड़े बहादुर योद्धाओं के लिए विशेषण प्रयोग होता था, अजात शत्रु, उसका शत्रु पैदा ही नहीं होगा। इसके नाम से शत्रु कांप जाते हैं, बैरी कुल कांपे नेक भों के विकार सो, और टेढ़ी निगाह दे गए वो कांप गया। ये सब कल्पनाएं हैं। आत्मा अजात शत्रु है, आत्मा का अहित करने वाला कोई हुआ ही नहीं आज तक। परिचय सच्चा करो, हमारे कौन है ये, बड़े हैं कि छोटे हैं, बताओ कैसे बताओगे? अपने तो अपने को नापोगे कि तब नहीं? हमसे तो बड़े हैं, हमसे छोटे ही हैं। अगर अपने को सामने नहीं रखोगे तो पर का परिचय कैसे करोगे? ये कौन है? एक ग्राहक है। तो तुमने अपने को दुकानदार देखा तब तो ग्राहक हो गया। वो ये कौन है? ये मजदूर है। जब अपने को मालिक देखा तब तो मजदूर है। ये कौन है? ये हमारा कर्मचारी है। तो अपने को अधिकारी देखा तब कर्मचारी बन गए। ये कौन है? ये पर है। हमने कहा था आपको शरीर भिन्न है, अभी तुम झूठी बातें कर रहे हो, सच्ची नहीं है। भिन्न बातें होता है, सही बता। शरीर भिन्न है, आत्मा के साथ अभिन्न हुए तब शरीर भिन्न है, व्यवहार हो गया। व्यवहार परमार्थ के सापेक्ष होता है, परमार्थ के निरपेक्ष नहीं होता। आत्मा अभिन्न है तब शरीर भिन्न है। ये आत्मा उपाधेय है तब ये ही है। ये ऐसी लकीर है जिसके जिससे बड़ी कोई लकीर ही नहीं है। आत्मा का परिचय करो,
सारी विश्व का परिचय हो जाएगा। विश्व में घे के अलावा है क्या? सकल घे। तुम जिसको कुछ भी कहते हो नाम है, हम नहीं जानते, हमारे लिए तो घे है। और घे है परंतु भूल गए हमारा घे नहीं है। ये कौन है? स्त्री है, मेरी स्त्री नहीं है। एक दृष्टांत दिया था, सीता में क्या दोष था? गुणवती है, रूपवती है, चतुर है, विद्यावती है, क्या दोष है उसमें सीता में कि अपनी नहीं है और अपनी हो भी नहीं सकती? इसलिए सब लोग मना कर रहे हैं, रावण दशानन सीता को वापिस कर दे, वापिस कर दे। का दोष है सीता में कि सीता अपनी नहीं है और अपनी हो भी नहीं सकती? और अंत में रावण भी पछताया, अरे मैंने व्यर्थ इस सती को मार कष्ट क्यों दिया? इसका तो चित्त राम में अनन्य है, संतुष्ट है। मेरा भ्रम था, मेरे वैभव को देखेगी तो, मेरे रूप को देखेगी तो आकर्षित हो जाएगी। जो अपने में संतुष्ट है उसे पर कोई परमाणु मात्र आकर्षित नहीं कर सकता। अखिल विश्व के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते, ताकत ही नहीं। आत्म सापेक्ष कर परिचय बनाओ, ग्रंथों से परिचय मत करो। ग्रंथ कहां से निकले हैं वहां से और का परिचय करो। ये रचना परिचय करो, ये सब रचना पर तनी या मैं तू नहीं जी, तेरो दर्शन ज्ञान है तामे बसे, ये परिचय हो गए। ये सब रचना पर तनी तामे तू नहीं जीव, तेरो दर्शन ज्ञान है तामे बसे सभी। ये ज्ञान कहां से आया? कहां से ज्ञान प्रकट हुआ? ये शांति मिली तुम्हें, बहुत शांति मिलती है जिन वाणी सुनते हो, अच्छी बात है, भली होनार है, लेकिन अभी शांति की कल्पना है, शांति कहां मिलती है? एक बात। दूसरी, ये शांति आई कहां से, आती कहां से है? शांति सुचता अंतर में है, बाहर से कभी ना। शांति तुम्हारे भीतर से आई है, बाहर से नहीं आई है। एक कस्तूरी के मृग, ये सुगंधी तेरे भीतर से आ रही है, बाहर नहीं आ रही। कस्तूरी का मृग जंगल में तब तक भ्रमेगा, दौड़ेगा, जब तक उसे ये समझ में ना आ जाए तो ये सुगंधी भीतर से आ रही। और कस्तूरी का मृग दौड़ते दौड़ते मर जाएगा, लेकिन उसको यही समझ में आएगी कि जन शांति कहां से आ रही? मंदिर में शांति है, तीर्थ में शांति है, अरे मन में शांति है तो सब जगह शांति है, और मन में अशांति है तो कहीं अशांति नहीं। अगर तीर्थ में भी अगर तुम्हें बुखार आ जाए तो तुम्हें शांति कहां है? तुम्हारा उपयोग शरीर की हो चला गया, तुम्हें भूख लगी, अब शांति कहां गई? कछु ला, कछु यहां मिल नहीं रहो। जहां चारों ओर जंगल जंगल जंगल, जिस जंगल में बैठ करके मुनीश्वर मंगल स्वरूप आत्मा को देखते हैं, चारों ओर ऐसा जंगल कुछ नहीं, और जो मूर्ख पागल भूखा ये देख रहा है कछु है ही नहीं, यहां कछु खावे को मिलाओगे नहीं, देखो कम कछु बिगड़ाओगे नहीं,
अरे ककड़ी बिगड़े चलो ककड़ी खाई। जिस जंगल में बैठ करके मुनीश्वर मंगल स्वरूप आत्मा को देखते हैं, वहां तो आत्मा को भूल करके दुखी हो रहे हो, तलाश रहे हो कुछ मिल जाए, कछु नहीं मिलेगो। कुछ नहीं मिलेगा का मतलब तृप्ति करने वाला कुछ भी नहीं मिलेगा जिसे तुम तृप्त हो सको, जिसे देख करके तृप्त हो सको, जिसे कुछ भी सुनाई नहीं देगा जिसे तुम सुन करके तृप्त हो सको। है ही नहीं दूसरा कुछ। अभी हम ऊपर सोच रहे थे आत्मानुभूति ही मुक्ति का मार्ग है, बस इतना ही मार्ग है, मार्ग कोई सड़क नहीं है, आत्मानुभूति ही मुक्ति का मार्ग है। आत्मा हूं ये अनुभवन हुआ, मुक्ति का मार्ग शुरू होगा। चाहे तुम्हें इन शास्त्रों का ज्ञान हुआ हो या नहीं हुआ हो, अरे तुम सोचोगे सो ही शास्त्र हो जाएंगे। देह से भिन्न आत्मा देखने वाला जीव का धर्म मरने पर भी नहीं छूटेगा, और देह से भिन्न आत्मा को न समझने वाले को कभी धर्म नहीं होगा। लाखों स्तुतियां बोलने पर भी, अनेकों पूजाएं करने पर भी धर्म तो नहीं होगा। आत्म सापेक्ष वर्ज्य भगवान पंच परमेश्वर की भी महिमा है तो इतनी महिमा है, यहां कामनाओं का अभाव होता है। ये भूले हुए शुद्ध आत्मा को बता दिया बस कामना का अभाव, आत्मा निष्काम है और निष्काम हो गए। अरे का दिख रहा है जैसा चमड़ी को, बुढ़ापे में जो होता है सो होता है, जो झुरियां पड़ गई। मेरे में तो झुरियां कभी पड़ती नहीं, आत्म सापेक्ष देखो तब बहन दिखाई। एक दृष्टांत दिया था, बीच के आंगन में खड़ा हुआ व्यक्ति बाहर तब दिखाई देगा जब भीतर से देखो। अरे बाहर कौन खड़ा है बोलता क्यों नहीं है, बाहर कौन खड़ा है, बाहर कह रहे, और बाहर वाला आदमी गया वो मालिक बैठा था दरवाजे, भीतर कौन घुसा है बोलता क्यों नहीं, भीतर उसे वही आदमी भीतर दिखाई दे रहा है और तुम्हें वही आदमी बाहर दिखाई दे रहा, तुम इधर से देख रहे हो। एक और दृष्टांत दिया था तुम्हें याद हो तो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तुम्हारा घर पूरब में है कि पश्चिम में है, तुम देख किधर से है, पश्चिम से देखो तो पूरब में, पूरब से देखो तो पश्चिम में, उत्तर से देखो तो दक्षिण में, और दक्षिण से देखो तो उत्तर में, और ना उत्तर में ना दक्षिण में ना पूरब में ना पश्चिम में, और शून्य में भी नहीं है, घर है ही, और पूरब में भी है पश्चिम में भी है उत्तर में भी है दक्षिण में भी है और शून्य में भी है, घर घर में है। आत्मा शून्य है, प्रभाव से शून्य, पूर्ण है फिर भी शून्य है, पूर्ण है और शून्य भी है। के वाह, पूर्ण तो है अपने गुणों से और शून्य है प्रभाव, विरोध नहीं है, कहूं शून्य कहते हो कहूं पूर्ण कहते हो, क्या हम का कहते हैं, है एक समय में, जिस समय में वह अपने में पूर्ण है उसी समय में वह प्रभाव से शून्य है।
आत्मा पर भाव से कथायों से शून्य होता है और आत्मज्ञानी कथायों से शून्य हो जाता है, उत्पन्न ही नहीं होती। आत्मा शून्य है और कथायों से, और आत्मज्ञानी कथायों से शून्य हो जाता है। इसलिए सबको जानने की अभिलाषा मत करो, अपने को जानने के लिए तृप्त रहो, तैयार रहो। पहले वीतराग होता है, फिर सर्वज्ञ होता है। गुणस्थान पर पार्टी, वीतराग का मतलब पहले पर को जानने की चाह मिट जाती है और फिर पर का जानना हो जाता है। पहले पर को जानने की चाह मिट जाएगी, का देखें, का देखें, खजूर ठीक है। पहले पर को देखने की चाह मिट जाएगी, तब पर का ज्ञान होगा। जब तक पर को देने की चाह मिटी, जानने की चाह मिटी रहेगी, बनी रहेगी, तब तक पर का ज्ञान नहीं होगा। चार प्रकार की इच्छाओं में पहली विषय ग्रहण करने की इच्छा है, और दूसरी कथा के अनुसार पढ़ माने की इच्छा है। देखो कौन है, अरे वहां क्यों खड़े हो, यहां आया हो, कथा के अनुसार, अरे अभी नहीं है, अब ऐसे जाओ। कसा है मन राग के अनुसार ग्रहण करने की इच्छा और द्वेष के अनुसार रहने की इच्छा। लोभ को अनुसार प्राप्त करने की इच्छा, सीधा सीधा प्राप्त नहीं हो, साम दाम दान देवी कछु लगा तुम मायाचारी आ जाएगी। आत्मा कसाय रहित है, आत्मा के आश्रय से ही, आत्मा की भावना से ही कसाय रहित हुआ जाता है। आत्मा ज्ञान बिना कसाय रहित नहीं हो सकता कोई। अरे अनंत आनंद ही कसाय नहीं मिटेगी, आत्मा अनंत आनंदमय है, तो आत्मा के आश्रय से अनंत आनंद की कसाय अपने आप मिटे, अनंत आनंद आ गया। अब तुम कसाय मिटाने के शास्त्र पढ़ रहे हो, शास्त्र पढ़ने से मद आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। हमने बहुत सभी शास्त्र पढ़ डाले, मद में बोल रहे हो। अगर तुमने शास्त्र पढ़ा होता तो ऐसे नहीं बोलती। हमने बड़े बड़े ज्ञानी देख रहे, तुम ऐसे नहीं बोलती, तुम्हें ज्ञानियों की महिमा दिखाती। कसाय मिटाने के लिए एक अंतरंग का उपाय, एक बहिरंग के उपाय। बहिरंग के उपाय, बहिरंग के अधीन है पर के आश्रय। अंतरंग का सच्चा उपाय तो तत्व विचार है। ये जीव तत्व विचार आदि का उद्यम करे, कर्म के उपशम आदि स्वयं हो, तब कसाय मिटती। आत्मा के आश्रय से कसाय मिटती ही मिटती है। अनंतानुमंदी कसाय तत्काल मिटेगी और शेष कसाय भी अल्पकाल में मिटेंगे। आत्मा के आश्रय से कसाय करना चाहो तो नहीं होगी, कोई कराना चाहे तो नहीं होगी, तुम गुस्सा दिलाना चाहो तो नहीं दिला पाओगे। खूब उल्टे काम करें और तो गुस्सा नहीं हो, गुस्सा उल्टे कामों के कारण नहीं होती, अपना काम सीधा नहीं करते इसलिए गुस्सा होती, अपने को आप रूप अनुभव नहीं करते इसलिए गुस्सा आती है। क्षमा के बिना, सच्ची बात है ये, एक क्षण भी दान नहीं कर सकता, न आहार दान, न औषधि दान, न ज्ञान दान, न अभय दान। भाषण दे सकती हो लेकिन दान नहीं कर सकती, ज्ञान दान जिसको कहते हैं।
जिसकी ये मन में धारणा बैठ गई है, क्या पढ़ो चो मत पढ़ो हमें का मतलब, वो ज्ञान दान कैसे देगा? अरे ये पढ़े कैसे? विष्णु शर्मा बने पड़ेगा सामने मूर्खों को पढ़ाने के लिए। पढ़ो चाहे मत पढ़ो हमें कुछ मतलब नहीं, चूल्हे में जाओ। यही भगवान जी कसाई की भाषा है, आत्मा में जाओ चूल्हे में क्यों जाओ? का आत्मा चला गया कहीं? आत्मा की ओर से देखो, इस आत्मा का क्या होगा, कहां जाओगे? जिसको जाने बिना संसार में भ्रमण होता है, जिसको जानने पर अपने में रमण होता है, वह अद्भुत आत्म रूप अनुपम अद्भुत याय लखे भव सिंध तर। परिचय बहुत किया है लेकिन हमने एक का परिचय दूसरे में लगा करके, परिचय परिचय मिस्त्री का परिचय पुड़ियों से दे, मिस्त्री का परिचय पुड़ियों से कैसे दे दें हम? पुड़ियों के सापेक्ष तो दे सकते हैं, जो मिस्त्री पुड़ी को भी मीठा बना दे, पानी को भी मीठा बना दे, जहां घुलेगी मछली वहां मिठास होगा होगा, और जहां मछली नहीं होगी वहां मिठास नहीं होगा। इसे कोई अपेक्षा नहीं है जैनी को है कि अजैनी है, बड़ा आदमी है कि छोटा बच्चा है, मछली उसके मुंह को मीठा बनाएगी जो अपने मुंह में मीठे गोली। तुम जैनी हो चाहे कोई हो हमें क्या मतलब? जो क्षमा धारण करेगा वो सुखी होगा, जो विनयवान होगा वह सुखी होगा, जो सरल होगा वह सुखी होगा, जो संतोषी होगा वह सुखी होगा, जो संयमी होगा वह सुखी होगा। क्या कह दस धर्मों से कहते हैं यो धरस्तु उत्तमे सुखे, जो दुख से सुख में धारण करा देता है जीव को, जो दुखी नहीं होंगे काय के लिए दुखी हो रहे हो? क्यों दुखी हो रहे हो? जिसका वियोग होगा जिसको सोच सोच करके दुखी हो रहे हो वो तुम्हारा नहीं है, वो अलग है भिन्न है। क्यों दुखी होते? दुख मूर्ता का फल है, क्या समझे? दुख मूर्ता का फल है, अज्ञान का फल है। आकुलित भयो अज्ञान धार, अब हो निराकुल ज्ञान धार। करो परिचय, परिचय करो हमारा नहीं, बस इतना परिचय बोल। इनको परिचय बती जो कू है हमारे, हमें नहीं याद, हमारा नहीं, बस परिचय हो। किसका ये मकान में कितने कमरे हैं, कितनी बोरी सीमेंट लगी है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, हमें का मतलब? हमारा नहीं है। और हमारा मानने का लोभ नहीं छोड़ पाए तो समझ लेना चक्कर हो जाएगा। एक बुजुर्ग खड़े बस स्टैंड पर, बस खड़ी हो गई, खाली हो गई,
एक बक्सा बच गया बड़ा सा, ये बक्सा कौन को है? अब कोई बोला ही नहीं तो नहीं कौन को नहीं है तो अपन ही कहे, ये हमारा है, हमारा है, हमारा है तो इसमें क्या है? देखें तो बम लाश दारी, चलो भीतर। कोतवाली में कि जेल में? और जेल में जे कपड़ा नहीं मिलने को मिला नहीं तुम्हें, जेल में जेल के कपड़ा मिले पाए? इन भावों से मोक्ष मार्ग में कैसे जाओगे? मोक्ष मार्ग में मोक्ष मार्ग जैसे भाव होंगे, इन भावों को लेकर के तुम मोक्ष मार्ग में कैसे चलोगे? मोक्ष मार्ग में चलोगे तो मोक्ष मार्ग के भाव आएंगे। पर का ज्ञान भी स्व के आश्रय से होता है, पर के ज्ञान भी पर के आश्रय से नहीं होता। पर के आश्रय से कथाएं होती हैं, ज्ञान नहीं होता। और जो कथाएं क्यों मिश्री कैसी है? मिश्री अच्छी जी, ज्ञान है तुम्हारा और ला कथाएं ये तो। पर के आश्रय से कथाएं होती हैं, अपने आश्रय से ज्ञान होता है। पर के आश्रय से भ्रम होता है, अपने आश्रय से परिचय होता है। परिचय कैसे होगा? अपने आश्रय से। और भ्रम होगा पर के आश्रय से, भ्रमित हो गया। आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं, अरे ये व्याख्या है और मैं व्याख्याता हूं, और ये व्याख्यान है, ऐसे मोह में मत नाचो। तुम्हें भ्रम हो गया हमने लिखी है, या हमें कहा नहीं लिखो है? फिर यह चरित्र के पंडित जी का सोच रहे थे, इन शास्त्रों में हमने सब लिख दो, प्रश्नवाचक हो जाएगा ये, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा, क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, सब लिख दो। और जब वो कृषक महिला ने नाटक दिखाओ, क्यों जे तुम्हारे चरित्र में लिखो कीजिए तो आज ही देखो, तो तुमने का लिख दो? कल्पना लोक में विचरण किया है तुमने, ये क्या है? कुछ नहीं। अरे उन मुनराजों की निष्प्रहता को देखो। एक भाई ने आकर के शास्त्र भेंट किया और वे ऐसे दिख रहे थे, कौन सो शास्त्र का है देखने लगे ने। और तब तक वो पड़ोस वाला मुनराज या कोई श्रावक ऐसी जिज्ञासा भाव से दिख रहा है कि देखें जी का है। बोले भैया तुम देख लो पहले, खत्म मामला, बिल्कुल कुछ नहीं। क्या है? कुछ भी नहीं, निष्किंचित। क्या है? आत्मा का वर्णन है। पुराणों का परिचय करो आत्म सापेक्ष, आत्मा की आराधना करने वाले और विराधना करने वालों का वर्णन है चरित्र का, और काय का वर्णन, विराधना का फल और आराधना का फल। कैसे कैसे विराधना होती है चरणान योग, उस विराधना से कैसा कैसा बंध होता है, कहां कहां घूमता है, कहां जाता है, कैसे कैसे भाव धारण करता है चरणान योग। और विराधना किसका नाम है? आराधना न होना विराधना है, आराधना होने प्रसन्न। कहे तुम प्रसन्नता ही नहीं हुई को देख के? एक स्त्री बोली, खटपट रहते ने कहा हमारी, का करें, कछु उपाय बता, मंत्र बता। हनी बताए मंत्र, प्रसन्नता से स्वागत करो, जिसे प्रसन्न करना है उसे देख करके स्वयं प्रसन्न हो जा,
बस प्रसन्न हो जाएगा। सुंदर चेहरा है बच्चे का, हंसता हुआ प्रसन्न प्रसन्न लगे, हंसता रहे, लेकिन प्रसन्न चेहरा सबसे अच्छा लगता है। और रोए रोए घुर्राए रहे, क्रोध कर रहा है, मान कर रहा है, चेहरा अच्छा लगता है, हो साम्य भाव इस चेहरे पर, बस चेहरा शोभा पाता है। अरे चेहरा भी जब साम्य भाव हो तब सुंदर लगता है, परिणाम सुंदर हो तब सुंदर लगेगा, और साम्य भाव तब आएगा जब अपने को देखोगे। लौट फेर के आने वही है, करें कहा हम, और कोई अन्यथा शरणम नास्ति, और कोई शरण ही नहीं, सहारा ही नहीं, हम क्या करें। सारे विश्व में देखन योग जगत में देख उमग्यो और आनंद विशेष। हे भगवान, देखने योग्य को जब हमने देख लिया तो हमें आनंद आ गया। क्या देखने योग्य शुद्धात्मा, आनंद आ गया। जब तक हम पर पदार्थों को देखते रहे, व्यवहारिक रूप में मानसुख स्वामी ने कहा है, मन वरम हर राजैव दृष्टा दृष्टेषु हृदयम त्वय तोस्मिति किं विचिते किम बीच देन। अन्य को देखने से क्या लाभ होगा, जिसको देख करके कभी भी संतोष ना आए, तृष्णा बढ़ जाए। हे भगवान, मन्ने वरम हरदेव दृष्टा दृष्टे सुम तो उसमें ब्याज निंदा स्तुति अलंकार है, लगती है वो तो बुराई और है उसमें स्तुति। विचारना श्रीपाल का परिचय चाहिए और जाओ रेणु जी सा के पास, श्रीपाल जी परिचय अपने मुंह से नहीं दे रहे, रेणु जी सा के पास चले जा। रेणु जी सा ने आकर के कहा, चंपापुरी के राजा, अरे ये बात खुली कह देती थे तो कब आती, जाने कोई विश्वास करेगा कि नहीं करेगा। जिसमें अकल नहीं है वो विश्वास तो करेगा नहीं, फायदा का है। तुम मित्रों को अपनी सफाई दे दी हो, व्यर्थ है, भी नाराज ही नहीं है। और अपने निंदकों को प्रसन्न करना चाहते हो, सफाई दे दी हो, हम ऐसे नहीं है, वे तो समझ बैठे, भ्रम उत्पन्न हो गया है, फायदा का है। मौन रहो, तुम्हारा जीवन तुम्हारी पवित्रता का ही साक्षी देगा। अरे तुम्हारी साक्षी स्वर्ग से आकर के देव देंगे, बोलो स्वर्ग से आकर के देवों ने कहा सीता निर्दोष है, सीता तो नहीं कही हमने, हम निर्दोष हैं। देवों ने कहा सीता निर्दोष है, जी अग्नि और जी के अग्नि का जल हो गया, जो कसाई की ज्वाला में कभी नहीं जली है उसे अग्नि जलाने में समर्थ नहीं है, मैं वह तत्व हूं। और सीता का निर्दोष क्यों है वो तो पहले बताई है, उसके हृदय में राम है। निर्दोष तुम कब हो, जब तक तुम्हारे हृदय में आत्मा है तब तक निर्दोष हो, जब तक आत्मा से बाहर चला गया दोष आ गए। यह तू स्वरूप से चलित होगा तो सर्व दोषों का प्रसंग आए। विचारना ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन ने, गुरु तेरी चरणा गए
सो पावे सुख से या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक नमो सदा।